नोटपैड प्रोग्राम को ओपन करने का इससे आसान और इससे अच्छा तरीका और आपको कोई नहीं बताएगा। तो दोस्तों, इसके लिए अपने कंप्यूटर या फिर लैपटॉप के खाली जगह पे आप अपने माउस से राइट क्लिक करेंगे, उसके बाद यहाँ पे न्यू के ऑप्शन पे आएंगे। न्यू के ऑप्शन पे आने के बाद आपको दोस्तों इस बॉक्स में आपको टेक्स्ट डॉक्यूमेंट जहाँ भी लिखा होगा उस पर आप क्लिक करेंगे। उसके बाद आपके सामने न्यू टेक्स्ट डॉक्यूमेंट का एक फोल्डर क्रिएट होगा। उस फोल्डर पे आप जैसे ही डबल क्लिक करेंगे तो दोस्तों आपके सामने आपका नोटपैड प्रोग्राम ओपन हो जाएगा। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर नोटपैड ट्यूटोरियल वीडियो। तो दोस्तों, जैसा कि थंबनेल और टाइटल को देखकर आप थोड़ा थोड़ा समझ गए होंगे कि आज का ये जो वीडियो है वो किस टॉपिक पे होने वाला है। तो दोस्तों, आज का जो ये पूरा वीडियो है ये नोटपैड ट्यूटोरियल वीडियो होने वाला है। अगर दोस्तों आप इस नोटपैड ट्यूटोरियल वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखते हैं, वो भी बिना स्किप किए हुए, तो दोस्तों आपको किसी और वीडियो को देखने की बिल्कुल ही जरूरत नहीं पड़ेगा। मैं आपसे एक ही उम्मीद रखता हूं कि आप वीडियो को पूरा देखेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक करेंगे, उसके नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे और अपने दोस्तों के पास भी इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा करके शेयर करें। चलिए दोस्त, आपका ज्यादा समय ना लेते हुए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो नोटपैड प्रोग्राम के इस ट्यूटोरियल वीडियो में आज हम आपको बिल्कुल बेसिक से लेकर एडवांस तक की सभी चीजों को बताएंगे। अगर दोस्तों आज से पहले आप लोगों ने नोटपैड प्रोग्राम को नहीं पढ़ा हुआ है, नहीं जान नोटपैड प्रोग्राम के बारे में कुछ भी, तो दोस्तों इस वीडियो को आप बिल्कुल स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देखिएगा, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। चलिए हम सबसे पहले जानते हैं कि नोटपैड प्रोग्राम को कैसे ओपन किया जाता है और कितने प्रकार से ओपन किया जाता है अपने लैपटॉप और फिर कंप्यूटर में। और हाँ दोस्तों, जो मैं लास्ट वाला तरीका बताऊंगा आपको नोटपैड प्रोग्राम को ओपन करने का, वह शायद ही आपको यूट्यूब पर किसी ने बताया होगा। तो चलिए दोस्तों हम सीखते हैं। तो नोटपैड प्रोग्राम को ओपन करने के लिए सबसे पहले अपने माउस को आप यहाँ पे लेफ्ट साइड में नीचे स्टार्ट बटन पे क्लिक करेंगे। अगर दोस्तों आप माउस से नहीं करना चाहते हैं तो दोस्तों आप अपने कीबोर्ड के विंडोज़ की को भी प्रेस कर सकते हैं। और उसके बाद फिर यहाँ पे लेफ्ट में आप यहाँ पे स्क्रॉल करेंगे और यहाँ पे देखेंगे कि हमारा विंडो एसेसरीज कहाँ पर है। जहाँ पे आपको विंडो एसेसरीज दिख जाएगा वहीं आप विंडो एसेसरीज पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे दोस्तों यहाँ विंडो एसेसरीज के अंदर आपको नोटपैड दिख जाएगा। यहाँ पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने नोटपैड प्रोग्राम ओपन हो जाएगा। ये तो था दोस्तों हमारा पहला तरीका। अब हमारा दूसरा तरीका है नोटपैड प्रोग्राम को ओपन करने का। सबसे पहले हम अपने माउस से यहाँ स्टार्ट बटन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ टाइप हियर टू सर्च में हम यहाँ पे नोटपैड लिख देंगे। नोटपैड जैसे ही लिखेंगे दोस्तों यहाँ पे ऊपर हमारा सबसे पहले नोटपैड प्रोग्राम आ जाएगा। यहाँ पे हम जैसे क्लिक करेंगे वैसे ही दोस्तों हमारा नोटपैड प्रोग्राम हमारे सामने ओपन हो जाएगा। ये था दोस्तों हमारा दूसरा तरीका। अब हम आपको बताएंगे कि नोटपैड प्रोग्राम को हम तीसरे तरीके से कैसे ओपन करते हैं। तो दोस्तों अब हम ओपन करेंगे आपको रन फंक्शन के द्वारा। रन फंक्शन को रन करने के लिए अपने कंप्यूटर में दोस्तों आपको सिंपली विंडोज प्लस आर की को होल्ड करके रखना है, तुरंत आपका रन फंक्शन आपके कंप्यूटर में ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे आपको यहाँ पे देख सकते हैं एक बॉक्स, रन का जो रन फंक्शन का जो बॉक्स है डायलॉग बॉक्स, वो आपके सामने ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे आप इसमें नोटपैड लिखेंगे तो आपका नोटपैड ओपन हो जाएगा। नोटपैड आप जैसे लिखेंगे तो यहाँ पे नीचे आपको नोटपैड दे देगा, इस पर इंटर कर दीजिएगा, सिंपली ये आपका नोटपैड प्रोग्राम ओपन हो जाएगा। अब जो दोस्तों मैंने जो पहले बात कर रहा था कि आपको बहुत ही आसान तरीका और बहुत ही शानदार तरीका बताने, जो कि दोस्तों आपको अभी तक कोई नहीं बताया होगा कि नोटपैड प्रोग्राम इस तरीके से कैसे ओपन किया जाता है, वो तरीका है दोस्तों आपको अपने कंप्यूटर के खाली स्क्रीन पे कहीं भी राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे न्यू के ऑप्शन पे जाना है। न्यू के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, उसके बाद यहाँ पे दोस्तों आपको नीचे टेक्स्ट डॉक्यूमेंट लिखा हुआ दिख जाएगा। अब यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, उसके सामने एक फोल्डर आपके सामने यहाँ पे बन जाएगा न्यू टेक्स्ट डॉक्यूमेंट। न्यू टेक्स्ट डॉक्यूमेंट पे आप जैसे डबल क्लिक करेंगे तो दोस्तों आपके सामने नोटपैड प्रोग्राम ओपन हो जाएगा। सबसे पहले आप सभी लोगों के मन में आ रहा होगा कि नोटपैड प्रोग्राम क्या होता है, व्हाट इज नोटपैड। तो दोस्तों नोटपैड प्रोग्राम एक सिंपल टेक्स्ट एडिटर प्रोग्राम है जो कि माइक्रोसॉफ्ट कंपनी द्वारा बनाया गया है। इसका इंस्ट्रक्शन नेम .txt होता है। इसमें हम दोस्तों अपने किसी भी नोट्स में या लिखे गए मैटर में हम बेसिक सा फॉर्मेटिंग करते हैं। इसमें हम कौन कौन सी फॉर्मेटिंग कर सकते हैं वो सब आप वीडियो में बने रहें, हमने स्टेप बाय स्टेप सभी चीज़ों को आपको बताया है। नोटपैड प्रोग्राम के ओपन होने के बाद जो हमारा सबसे पहला इंटरफेस आता है दोस्तों आप सभी लोगों के सामने है। तो चलिए हम अब एक एक फंक्शंस के बारे में समझते हैं, उनका क्या यूज़ है नोटपैड प्रोग्राम के अंदर। तो दोस्तों सबसे पहले हम जानेंगे कि
हमारे राइट साइड में ऊपर में यहाँ पे आपको तीन बटन देखने को मिल जाएंगे। सबसे पहला जो ऑप्शन है दोस्तों वो है हमारा क्लोज का। क्लोज के ऑप्शन पर क्लिक करने पर हमारा जो नोटपैड प्रोग्राम है दोस्तों वो बंद हो जाएगा। चलिए हम आपको दिखा देते हैं। यहाँ पे जैसे हम क्लोज के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे हमारा प्रोग्राम बंद हो गया। अब हम दोबारा से प्रोग्राम को ओपन करेंगे। यहाँ पे दोस्तों हमारा जो दूसरा ऑप्शन है वो है रिस्टोर या फिर मैक्सिमाइज। इसमें दोस्तों हम रिस्टोर करेंगे तो हमारा जो नोटपैड प्रोग्राम है कुछ इस प्रकार से शो होगा हमारे लैपटॉप या फिर कंप्यूटर के अंदर। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे हम दोबारा मैक्सिमाइज कर देंगे तो हमारा फुल स्क्रीन पे शो होने लगेगा। इसके बाद जो हमारा तीसरा फंक्शन आता है दोस्तों यह है मिनिमाइज। मिनिमाइज करने से दोस्तों हम किसी भी अगर प्रोग्राम को मिनिमाइज कर देते हैं वो प्रोग्राम दोस्तों हमारे लैपटॉप या फिर कंप्यूटर के टास्क बार में आकर के हाइड हो जाता है। जैसा कि यहाँ पे हम इसको मिनिमाइज कर दे रहे हैं, ये देख सकते हैं दोस्तों ये जो हमारा प्रोग्राम है ये हमारे कंप्यूटर या फिर लैपटॉप के टास्क बार में आके हाइड हो गया है। दोबारा यहीं से ओपन करेंगे तो ये हमारा नोटपैड प्रोग्राम ओपन हो जाएगा हमारे फुल स्क्रीन पे। अब दोस्तों यहाँ पे आते हैं लेफ्ट साइड में, सबसे ऊपर आपको टाइटल बार देखने को मिल जाएगा। दोस्तों टाइटल बार से हमको पता चलता है कि हम किस प्रोग्राम अथवा किस फाइल पर कार्य कर रहे हैं। किसी भी प्रोग्राम में टाइटल बार का यही मतलब होता है कि हम किस प्रोग्राम और किस फाइल पर कार्य कर रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रोग्राम का नाम हमारा नोटपैड है। उसके बाद ये अभी अनटाइटल है, मतलब इसका मैंने अभी भी कोई भी टाइटल नहीं दिया हुआ है। बाद में हम आपको जब भी टाइटल देंगे तो आपको बता देंगे कि टाइटल क्या होता है और किस प्रकार से टाइटल को दिया जाता है। अब दोस्तों यहाँ पे नीचे आप देखेंगे, सबसे नीचे पेज के यहाँ पे आपको शो हो रहा होगा व्हाइट कलर का जो पट्टी है, यहाँ पे LN1, COL1 आपको लिखा हुआ शो हो रहा होगा। इसके बाद आगे और भी चीज़ें हैं दोस्तों, ये बेसिकली हमारा स्टेटस बार होता है। LN का मतलब होता है लाइन और उसके बाद COL का मतलब होता है कॉलम। अभी जो हमारा ये कर्सर है, आप यहाँ पे कर्सर एक लंबा सा पतला सा डंडी देख रहे होंगे, ये हमारे नोटपैड प्रोग्राम का कर्सर है दोस्तों। ये हमारा कर्सर जहाँ पे रहेगा वही हमारा यहाँ पे शो होगा कि हम किस लाइन और किस कॉलम में हमारा कर्सर है। उसके बाद ये 100% हमारा जूमिंग दिया हुआ है, 100% है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे राइट साइड में सबसे कॉर्नर आपको एक पतली सी पट्टी आपको दिख जाएगी जो कि हमारी स्क्रॉल बार है दोस्तों। स्क्रॉल बार करने से दोस्तों अभी हम जैसे अपने माउस का स्क्रॉल भी करेंगे तो अभी आपको नहीं शो होगा जब तक कि हमारे पेज पे ढेर सारा मैटर ना हो जाए। जब भी हमारा मैटर हमारे पेज से बाहर चला जाएगा दोस्तों तो हमारा स्क्रॉल बार उसका यूज होगा। स्क्रॉल बार से बेसिकली हमको पता चलता है कि हम अपने पेज को अप कर रहे हैं या फिर डाउन कर रहे हैं। पेज को अप डाउन करके देखने में हमारा स्क्रॉल बार का यूज होता है। तो दोस्तों सारी बेसिक चीज़ें हम लोग जान चुके हैं। अब आते हैं दोस्तों हम अपने मेन जो हमारा मेन्यू है, सबसे पहला मेन्यू आता है हमारा दोस्तों फाइल मेन्यू, उसके बाद एडिट मेन्यू, उसके बाद फॉर्मेट, उसके बाद व्यू, सबसे लास्ट में हेल्प मेन्यू। हमारे नोटपैड के अंदर इतने सारे मेन्यू दिए गए हैं दोस्तों जो कि बहुत यूजफुल हैं आगे हमारे टेक्स्ट को फॉर्मेटिंग करने में। तो चलिए बारी बारी से सभी मेन्यू के बारे में समझते हैं उनका क्या यूज है हमारे टेक्स्ट को फॉर्मेट करने के लिए। सबसे पहला मेन्यू आता है दोस्तों हमारा फाइल मेन्यू। फाइल मेन्यू के अंदर कई सारे कमांड दिए होते हैं। सबसे पहला जो हमारा कमांड है दोस्तों वो है न्यू। न्यू का शॉर्टकट आगे लिखा हुआ है Ctrl+N। न्यू का क्या मतलब है हमारे नोटपैड प्रोग्राम के अंदर? बेसिकली दोस्तों न्यू का सभी प्रोग्राम के अंदर जो कि माइक्रोसॉफ्ट बनाता है, जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में अंदर MS वर्ड, नोटपैड हो गया, MS पेंट हो गया या फिर एक्सेल, ये सभी के अंदर न्यू का एक ही काम होता है दोस्तों जो कि है नया ब्लैंक फाइल लेना। नया ब्लैंक फाइल से आप मतलब यहाँ पे आप समझ सकते हैं जो हमारा वर्किंग एरिया है ये हमारा दूसरा आ जाएगा, इसके जगह पे नया हमारा ब्लैंक पेज आ जाएगा। उसके बाद दोस्तों हमारा सेकंड जो ऑप्शन आता है वो है न्यू विंडो। न्यू विंडो करने से दोस्तों यहाँ पे जो हमारा ये विंडो है ये तो रहेगा ही रहेगा, इसके बाद हमारा दूसरा विंडो भी ओपन हो जाएगा। चलिए तो हम आपको करके दिखा देते हैं। ये देखिए दोस्तों हमारा पीछे जो विंडो है वो ब्लर सा हो गया है, उसके बाद हमारा इसके सामने एक नया विंडो ओपन हो गया है। तो ये होता है दोस्तों हमारा न्यू विंडो का काम। उसके बाद हमारा जो तीसरा ऑप्शन है वो है ओपन, जिसका शॉर्टकट Ctrl+O होता है। ओपन कमांड का यूज नोटपैड प्रोग्राम में सेव किए गए हुए फाइल को दोबारा से नोटपैड प्रोग्राम में ओपन करने के लिए ओपन कमांड का यूज किया जाता है। इसके बाद आता है हमारा सेव, जिसका शॉर्टकट Ctrl+S होता है। सेव कमांड का यूज नोटपैड प्रोग्राम में हम किसी भी फाइल को अपने कंप्यूटर के अंदर किसी लोकेशन में सेव करने के लिए किया जाता है, जिससे कि हम उस फाइल को
दोबारा से ओपन कर सकें अपने नोटपैड प्रोग्राम के अंदर, या फिर उसमें दोबारा से फॉर्मेटिंग कर सकें। इसके बाद दोस्तों आता है हमारा सेव एज। सेव एज का शॉर्टकट कंट्रोल शिफ्ट प्लस यस होता है। सेव और सेव एज में ज़्यादा फर्क नहीं होता है। सेव एज कमांड का यूज़ हमारे नोटपैड प्रोग्राम में उसी फाइल को किसी दूसरे लोकेशन पर तथा दूसरे नाम से सेव करने में किया जाता है। इसके बाद जो कमांड आता है दोस्तों वो है पेज सेटअप। पेज सेटअप कमांड का यूज़ हम अपने पेज को सेट करने के लिए करते हैं, जैसे कि उसका साइज सेट करेंगे, उसके बाद यहाँ पे उसका सोर्स सेट करेंगे, उसके बाद यहाँ पे ओरिएंटेशन है, मार्जिन है, सब कुछ यहाँ पे हो जाता है पेज सेटअप के अंदर नोटपैड प्रोग्राम में। इसके बाद जो हमारा कमांड आता है वो है दोस्तों प्रिंट। प्रिंट कमांड का यूज़ हम नोटपैड प्रोग्राम में किए गए फॉर्मेटिंग्स को प्रिंट करने के लिए किया जाता है। नोटपैड प्रोग्राम में जो भी हम मैटर को फॉर्मेट करेंगे उसको प्रिंट करने के लिए किया जाता है। इसके बाद जो कमांड आता है दोस्तों वो है एग्जिट। एग्जिट के ऑप्शन पे अगर हम क्लिक करते हैं दोस्तों तो हम अपने नोटपैड प्रोग्राम से डायरेक्ट बाहर आते हैं। आई होप दोस्तों आप सभी को इतना समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट मेन्यू के अंदर। तो हमारा नेक्स्ट मेन्यू है दोस्तों एडिट। एडिट मेन्यू के अंदर भी हमारे कई सारे कमांड आते हैं, जैसे कि हमारा सबसे पहला कमांड हो गया अंडू, जिसका शॉर्टकट कंट्रोल प्लस जेड होता है। अभी दोस्तों ये आपको अनअवेलेबल दिखा रहा होगा। अब जैसे हम इसमें कुछ कोई टेक्स्ट लिखते हैं उसके बाद ये सभी कमांड अवेलेबल हो जाएंगे। जैसे इसको हम सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पे हमने इसको सिलेक्ट करने के लिए दोस्तों सिंपली आपको अपने माउस के लेफ्ट बटन को यहाँ पे प्रेस करते हुए इसके ऊपर ले जाएंगे, ये आपका सिलेक्ट होते चला जाएगा। अब देख सकते हैं दोस्तों ये हमारा जो सबसे पहला कमांड अंडू था जिसका शॉर्टकट कंट्रोल प्लस जेड होता है, ये हमारा अवेलेबल हो गया है। अब इस पर जैसे हम प्रेस करेंगे दोस्तों देखिए हमने जो भी टेक्स्ट को लिखा था वो हमारा फिर से अंडू हो जाएगा, मतलब गायब हो जाएगा, जिसको हम कंट्रोल जेड से भी कर सकते हैं इसका जिसका शॉर्टकट होता है। इसके बाद दोस्तों हमारा दूसरा जो कमांड आता है वह है कॉपी। कॉपी कमांड का शॉर्टकट कंट्रोल प्लस सी होता है। इस कमांड का यूज़ दोस्तों हम अपने नोटपैड प्रोग्राम में किसी भी टेक्स्ट को कॉपी करने के लिए किया जाता है। अभी देखिए यहाँ पे हम इसको सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट करने का शॉर्टकट कंट्रोल प्लस ए भी होता है। अगर हमको शॉर्टकट से नहीं सेलेक्ट करना तो अपने माउस के हम राइट बटन को, माउस के लेफ्ट बटन को प्रेस करते हुए दोस्तों प्रेस करके रखना है, उसके बाद उस टेक्स्ट के ऊपर ले जाना है, सिंपली हमारा सेलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर एडिट पर जाएंगे, उसके बाद यहाँ पर कॉपी कर लेंगे जिसका शॉर्टकट कंट्रोल प्लस सी होता है, नहीं तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तब भी ये कॉपी हो जाएगा। अब दोस्तों अब यहाँ पे हम कर्सर को नीचे ले आते हैं, इंटर कर देंगे हमारा कर्सर नीचे आ जाएगा। उसके बाद हम इसको यहाँ पे हमारा जो सेकंड ऑप्शन है हमारा जो उसके बाद का जो कमांड है वो है पेस्ट, जिसका शॉर्टकट कंट्रोल प्लस वी होता है। अभी देखिए दोस्तों अभी हमने इसको कॉपी किया था, अब हम इसको यहाँ पे पेस्ट कर दे रहे हैं तो हमारा जो ऊपर अवध ग्लो लिखा हुआ था वही हमारा नीचे भी आ जाएगा। पेस्ट का दोस्तों यही यूज़ होता है, हम किसी भी कॉपी किए गए हुए मैटर को हम कर्सर जहाँ हमारा रहेगा वहीं पे पेस्ट कर देंगे तो हमारा वहाँ भी वही वर्ड आ जाएगा। इसके बाद दोस्तों जो हमारा नेक्स्ट कमांड आता है वो है डिलीट, जो कि आपको एक डिलीट की मिल जाएगा अपने कीबोर्ड में। आप यहाँ से इसको सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से डिलीट भी कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों जो हमारा नेक्स्ट कमांड आता है वो है फाइंड, जिसका शॉर्टकट कंट्रोल प्लस एफ होता है। फाइंड कमांड का यूज़ दोस्तों हम अपने, अगर मान लीजिए हमारे यहाँ स्क्रीन पे ढेर सारा मैटर हो और इसमें हमको कोई वर्ड फाइंड करना हो, केस में हम फाइंड कमांड का यूज़ करेंगे। फाइंड पे क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे अपने उस मैटर में से जिस भी वर्ड को आपको फाइंड करना हो उस वर्ड को यहाँ पे आप टाइप करेंगे। जैसे मैं यहाँ पे टाइप कर देता हूँ ग्लो, GLO ग्लो, फाइंड नेक्स्ट पे करूँगा। ये दोस्तों मैंने यहाँ पे थोड़ा सा गलत लिख दिया है, कैपिटल लेटर में लिख दिया है, तो यहाँ पे हम इसको सही से लिखेंगे। उसके बाद फाइंड नेक्स्ट पे करेंगे, देखिए हमारा जो ग्लो है वो सिलेक्ट हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों हमारा नेक्स्ट जो कमांड आता है वो है फाइंड नेक्स्ट, इसका शॉर्टकट F3 होता है। इसके बाद दोस्तों फाइंड प्रीवियस है, जिसका शॉर्टकट शिफ्ट प्लस F3 होता है। इसके बाद जो कमांड आता है दोस्तों वह है रिप्लेस। रिप्लेस पे हम जैसे ही दोस्तों यहाँ पे क्लिक करेंगे हमारे सामने कुछ रिप्लेस का ऐसे डायलॉग बॉक्स ओपन होके आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे हम दोस्तों ग्लो की जगह पे यहाँ पे हम जो भी रिप्लेस करना चाहते हैं उस वर्ड को उसको लिख देंगे। यहाँ पे ग्लो की जगह पे दोस्तों लिख देते हैं हम कंप्यूटर,
कंप्यूटर लिखने के बाद दोस्तों यहाँ पे हम रिप्लेस ऑल पे सिलेक्ट करना है। उसके बाद हमारा दोस्तों जहाँ भी आवाज ग्लू रहेगा इस ढेर सारे मैटर में, अभी तो हमारे पास थोड़ा ही मैटर था, अगर आपके पास ज़्यादा मैटर रहेगा तो आपका जहाँ पे भी वो वर्ड रहेगा उसकी जगह पे दूसरा वर्ड आ जाएगा। इसके बाद दोस्तों हमारा नेक्स्ट कमांड आता है सिलेक्ट ऑल, जिसका शॉर्टकट कंट्रोल प्लस ए होता है। यह आपको हमने पहले बता दिया था, आपका कर्सर जहाँ कहीं भी रहेगा दोस्तों आप अपने कीबोर्ड में कंट्रोल प्लस ए करेंगे तो आपका सभी मैटर सिलेक्ट हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों आपका नेक्स्ट कमांड आता है डेट एंड टाइम। डेट एंड टाइम दोस्तों आप यहाँ पे कर्सर अपना नीचे लेके आएंगे, उसके बाद F5 करेंगे तो आपका करेंट डेट एंड टाइम यहाँ पे शो हो जाएगा। आई होप दोस्तों आपको इतना सभी कमांड के बारे में अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसके बाद हमारा नेक्स्ट मेन्यू है दोस्तों फॉर्मेट मेन्यू। फॉर्मेट मेन्यू में हमारे दो कमांड दिए होते हैं, जो कि पहला कमांड है वर्ड रैप। वर्ड रैप का यूज़ दोस्तों अभी मान लीजिए अभी हम यहाँ पे कुछ भी टाइप कर रहे हैं, यहाँ पे देख सकते हैं आप, टाइप करने के बाद दोस्तों हमारा जो कर्सर है यहाँ तक जाने के बाद जहाँ तक हमारा विंडो है उसके बाद नीचे आ जा रहा है। अभी हम दोस्तों जैसे ही यहाँ पे फॉर्मेट के ऑप्शन पे जाएंगे वर्ड रैप को अनचेक कर देंगे तो हमारा जो मैटर है यहाँ पे मान लीजिए हमने कुछ भी लिखना स्टार्ट कर दिया तो हमारा जो मैटर वो विंडो के अंदर चला जाएगा, वो आपको नहीं शो होगा। तो दोस्तों वर्ड रैप पे जैसे ही चेक करेंगे हमारा दोबारा से जो मैटर वो विंडो के नीचे आ जाएगा। तो दोस्तों आई होप आपको ये वर्ड रैप समझ में आ गया होगा। उसके बाद जो सेकंड कमांड है वो है फॉन्ट। फॉन्ट दोस्तों फॉन्ट पे हम जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमारा जो फॉन्ट फैमिली में जितने भी सारे फॉन्ट रहेंगे वो सब आपके सामने शो हो जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे फॉन्ट स्टाइल, फॉन्ट साइज, यहाँ पे दोस्तों आपको जो भी फॉन्ट को सिलेक्ट करना हो फॉन्ट फैमिली में से, यहाँ पे फॉन्ट फैमिली का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आप सिंपली सिलेक्ट करने के बाद उसका फॉन्ट स्टाइल सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद आपका फॉन्ट साइज क्या रहेगा उसके आप सिलेक्ट करने के बाद ओके कर देंगे तो आपका फॉन्ट चेंज हो जाएगा। अब दोस्तों हमारा जो नेक्स्ट मेन्यू आता है वो है व्यू मेन्यू। व्यू मेन्यू में दोस्तों हमारे दो कमांड होते हैं, एक तो है जूम। जूम पे करने पे दोस्तों यहाँ पे आपके सामने जूम इन दिखाएगा, जिसका शॉर्टकट कंट्रोल प्लस प्लस होता है, और दूसरा ऑप्शन जूम आउट है जिसका शॉर्टकट कंट्रोल प्लस माइनस होता है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे जो हमारा व्यू मेन्यू के अंदर सेकंड कमांड आता है वो है स्टेटस बार। अभी दोस्तों आपके सामने यहाँ पे स्टेटस बार शो हो रहा होगा, यहाँ पे आपको हमारा कर्सर जहाँ कहीं भी रहेगा यहाँ पे इसका स्टेटस बार में दिखाएगा कि हमारा कर्सर कहाँ है। अब दोस्तों यहाँ पे स्टेटस बार को हम अनचेक करेंगे तो आपके सामने देख सकते हैं यहाँ पे स्टेटस बार हमारा हाइड हो गया है, तो हमको दोस्तों यहाँ पे स्टेटस बार पे चेक करके रखना पड़ेगा। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट कमांड आता है हमारा हेल्प, जो कि आपको यहाँ पे सेंड फीडबैक पहला ऑप्शन मिलेगा, उसके बाद यहाँ पे अबाउट नोटपैड के बारे में आपको अगर जानकारी प्राप्त करना रहेगा तो डायरेक्ट यहाँ पे अबाउट नोटपैड पे क्लिक करके इसके बारे में जानकारी पा सकते हैं। तो दोस्तों आई होप आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आ गया दोस्तों तो आप वीडियो को फिर से पीछे करके देख सकते हैं, नहीं तो आप जो भी पार्ट नहीं समझ में आया होगा इस वीडियो में उसको आप कमेंट में लिख सकते हैं दोस्तों, और हमको ज़रूर बताएं आपको ये वीडियो कैसा लगा। तो दोस्तों मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।